गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं चेक स्वामी का एक लेटेस्ट एपिसोड। और मैं आज बहुत खुश हूं भाई, बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि 7000 में एक ऐसा फोन लॉन्च किया है इन्फिनिक्स ब्रांड ने, जो कि यार बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। मैं नहीं कह सकता कि यार इससे बढ़िया फीचर्स कोई और दे रहा है। एक फुल पैकेज आपको देखने को मिल रहा है 7000 की रेंज में। भैया ये है इन्फिनिक्स का हॉट 8, एकदम गरम गरम फोन है, अभी कल लॉन्च हुआ है। और ये फोन आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, इसके बारे में सारे फीचर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। और यही नहीं भाई साहब, आप में से एक लकी विनर इस फोन को जीत भी सकता है। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कर देनी है वीडियो, और नीचे जाके एक कमेंट कर देना है प्यारा सा कुछ भी, तो उसके बाद आप यहां पे चांस आपका बन जाता है गिव अवे जीतने का। और यार आपने अगर अभी तक इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो नहीं किया है तो कहीं ना कहीं जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि रिजल्ट जो है वो 10 अक्टूबर को वहां पे पब्लिश कर दिए जाएंगे। तो यूट्यूब पे नहीं होंगे, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर होंगे, वहां फॉलो करना बहुत जरूरी है, और हमारे सब्सक्राइबर होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और यार इन्फिनिक्स की एक चीज की तारीफ करूंगा कि भाई जितने भी फोन से ला रहे हैं, पिछले फोन से हमेशा ये इंप्रूव्ड लेकर आते हैं और बहुत बढ़िया लेकर आते हैं। इस बार भी 7000 में कुछ ऐसे फीचर्स डाले हैं जो कि यार अनबीटेबल है। चलो यार इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये है इन्फिनिक्स हॉट 8 का बॉक्स आपके सामने, और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या चीजें देखने को मिल रही है। पहले तो बॉक्स देख के आपको एक चीज पता चल गई होगी कि इस फोन में हमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी, और बेजल्स काफी पतले लग रहे हैं, और यहाँ पे हॉट 8 बड़े ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अलॉट एक्स्ट्रा 4GB और 64GB हमें देखने को मिल रहा है। ये बहुत एक अच्छी बात है कि 7000 में 4GB 64GB यार मतलब कोई नहीं देता आज के टाइम में, ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। बाकी यार ब्रांडिंग तो बहुत ज्यादा की है बॉक्स के ऊपर, और पीछे कुछ यहाँ पे हमें फीचर्स के बारे में बताया गया है, जहाँ पे 5000 mAh की बैटरी लगी है जो कि मेरे को बहुत इंप्रेस कर रही है, और डायरेक्ट साउंड मोड का यहाँ पे हमें डाला गया है सपोर्ट, जो कि बहुत अच्छी बात लगी है। और यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा गया है, जो कि मेरे को सबसे ज्यादा बढ़िया बात लगी। तो मेक इन इंडिया यार, ये तो आप सबको पसंद आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या चीजें देखने को मिल जाती हैं। और ये आराम से मैंने बॉक्स को खोल लिया, एंड ये रहा बॉक्स। और बॉक्स के अंदर सबसे पहले जो देखने को मिल रहा है वो है हॉट 8 डिवाइस, जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं और इसकी फिल्म भी उतार लेते हैं और देखते हैं कि फोन कैसा लगता है। और ये इसके ऊपर भी यार कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि ट्रिपल कैमराज एंड 6.52 HD प्लस की वाटर ड्रॉप डिस्प्ले। चलिए देखते हैं कैसी लगती है। और ये फिल्म को मैंने यहाँ पे उतार लिया, एंड यस फोन काफी बड़ा है। अगर मैं साइज की बात करूं, ऑब्वियसली 6.5 इंचेस के डिस्प्ले है तो बड़ा तो लगेगा। और यहां से पीछे से घुमा लेते हैं फोन को और देखते हैं कि फोन कैसा लगता है। और ये फिल्म को मैंने उतारा, ओह माय गॉड, फोन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। प्राइसिंग के हिसाब से बात करूं, डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है इन्होंने, ग्रेडियंट फिनिश जो डाली है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। ऊपर से कुछ लाइट ब्लू है, नीचे आते थे तो डार्क ब्लू सी हो जाती है और गैलेक्सी जैसा फील आता है। और इन हैंड फील मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी अच्छा लगा है, फोन काफ़ी लाइट वेट है और फिंगरप्रिंट स्कैनर दिख रहा है, ट्रिपल कैमरा देखने को मिल रहे हैं, सामने वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल रही है, तो काफ़ी बढ़िया। तो इसको मैं बूट पे लगा देता हूँ और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले इसकी पावर ब्रेक देखने को मिल जाती है। ऑब्वियसली गाइस ये आउटपुट देगा 10 वॉट्स का, फास्ट चार्जर हम इस प्राइस पे तो यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। माइक्रो यूएसबी वाली यहाँ पे हमें केबल देखने को मिल जाएगी, डॉक्यूमेंटेशंस देखने को मिल जाती हैं, गूगल फाइल्स का पैम्फलेट जहाँ पे लिखा है प्री इंस्टॉल्ड ऑन योर फोन, तो अच्छी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके सिम और माइक्रो एसडी कार्ड को अंदर डालने के लिए हथियार, सिम इजेक्टर टूल, स्क्रीन प्रोटेक्टर भी दिया गया है, जो कि मेरे को बहुत बढ़िया बात लगी। इस चीज को ध्यान से देखना, वाटर ड्रॉप नॉच के लिए बहुत बढ़िया कटिंग भी दी गई है। लास्ट में हमें मिलता है बैक केस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के साथ आ जाता है, और ये मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। तो गाइस फाइनली हमने अनबॉक्सिंग कर लिया, फोन भी काफी अच्छा लग रहा है। चलो डिटेल में बात करते हैं फोन के बारे में। तो गाइस डिजाइन के बारे में बात करता हूं, तो इस फोन का डिजाइन मेरे को ओवरऑल बहुत ज्यादा प्यारा लगा है। इसके जो ग्रेडियंट कलर इन्होंने दिए हैं बहुत प्यारा है, और इसमें कलर का नाम कुछ अजीब सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूटजल कियान, मतलब कुछ अलग सा कलर है जो भी है यार। अगर लेमैन में बोलूँ, ऊपर से लाइट ब्लू है, नीचे डार्क ब्लू है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। ग्रेडियंट फिनिश में आजकल ब्रांड्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और इन्फिनिक्स ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। और इन हैंड फील भी इसकी बहुत ज़बरदस्त लगी है मेरे को, चाहे पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है बट यार हाथ में पकड़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया गया है। और इवन के सामने से देखोगे तो यहाँ पर छोटी नॉच दी गई है, और छोटी नॉच का मतलब यहाँ पर ड्यू ड्रॉप नॉच है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। यहाँ पर
साइज के हिसाब से। और यहाँ पे अगर आप बेजल्स को ध्यान से देखोगे तो ऊपर नीचे बेजल्स काफी ज्यादा कम है और साइड्स पे भी बहुत ज्यादा कम है। हल्की सी चिन मोटी है बट यार कंसिडरेबली प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है। बाकी यार बैक साइड में हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है जो कि मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद मैंने एक चीज देखी है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। जैसे कि मैंने लॉक किया और हल्का सा टच किया ये ओपन हो जाता है, हल्का सा टच किया ये ओपन हो जाता है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी ज्यादा फास्ट है यार। फेस अनलॉक भी इसमें काफी एक्यूरेट चलता है पर थोड़ा सा डिले के साथ चलता है, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। नाउ यार 6.5 इंचेस की इसमें डिस्प्ले है, बहुत मैसिव डिस्प्ले है, मेरे को बहुत बड़ी लग रही है ये डिस्प्ले और बहुत अच्छी भी लग रही है। ये वन ऑफ द बेस्ट 720 डिस्प्ले कह सकता हूं मैं। यहां पे HD प्लस मिल रही है, फुल HD नहीं है बट 7000 का फोन है यार, तो HD डिस्प्ले एटलीस्ट यहां पे 540 480p ऐसी वाली डिस्प्ले नहीं मिल रही। इसमें HD प्लस है, IPS डिस्प्ले है और कमाल का पैनल है। कलर्स बहुत एक्यूरेट आ रहे हैं, वाइब्रेंट आ रहे हैं और इसमें ब्राइटनेस लेवल, कॉन्ट्रास्ट लेवल सब बहुत ही अच्छे हैं। आपको मीडिया कंजम्पशन में मजा आने वाला है। नाउ यार इसमें परफॉर्मेंस के लिए हीलियो का P22 प्रोसेसर दिया गया है जो कि 12 नैनोमीटर का है और यार जनरल टास्क बहुत ही अच्छे से करता है। आपको कोई लैग या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पे फोन में कोई स्टटर वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, फोन बहुत ज्यादा स्मूथ काम करता है। अब यहां पर मैं एक चीज कहूंगा कि फोन की तारीफ करनी होगी, भाई इन्होंने 7000 के प्राइस टैग में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज दी है और इसमें माइक्रो SD कार्ड भी लगता है गाइस। और यहां पे 4GB रैम आना एक बहुत बड़ी बात है और 4GB मेमोरी बहुत ज्यादा है 7000 के फोन के लिए। और 64GB का रोम का मतलब है कि जितना मर्जी सामान इसके अंदर भर लो आपको कोई टेंशन नहीं है। अब इस फोन के अंदर हमें कैमरा में भी कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है, यहां पे ट्रिपल कैमरास देखने को मिल रहे हैं और इसमें जो प्राइमरी कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का F1.8 वाला। आप सोचो 7000 के प्राइस पॉइंट पे F1.8 देखने को मिल रहा है। साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है जहां पे आप पोर्ट्रेट वगैरह क्लिक कर सकते हो और इसी के साथ एक लो लाइट का डेडिकेटेड लेंस भी देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप लो लाइट में फोटोज खींच रहे हो तो ये लेंस आपके प्राइमरी कैमरा को असिस्ट करेगा बढ़िया फोटोज लेने के लिए। तो यार इन्होंने अच्छा पैकेज दिया है कैमरास के मामले में भी। और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि अच्छी सेल्फीज भी ले लेता है। बाकी आप थोड़े से सैंपल्स चेक करो, आपको खुद ही पता चलेगा। अब यार कैमरास के साथ साथ आपको बैक साइड पे LED फ्लैश तो देखने को मिलती है बट इसके फ्रंट पे भी इन्होंने LED फ्लैश का ऑप्शन दिया है जो कि मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। और ये फिजिकल LED फ्लैश है, स्क्रीन फ्लैश नहीं है। इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट बताता हूं, वो है इस फोन की बैटरी। 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है इस फोन के अंदर और यार इसको हाथ में लेके पता नहीं चलता इतनी हैवी बैटरी है। 5000 mAh की बैटरी के साथ आपको बैटरी बैकअप बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। HD की डिस्प्ले है, इवन की इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और P22 12 नैनोमीटर का है तो आपको इसमें बैटरी लेवल बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें आपको एंड्रॉइड 9 देखने को मिल जाता है जो कि इनके अपने XOS के ऊपर बेस्ड है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इन्फिनिक्स का ये हॉट्स 8 जो है मेरे को काफी बढ़िया लगा है। तो आप बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके आपको इन्फिनिक्स हॉट 8 कैसा लगा और गिव अवे में पार्ट लेना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं मिलता हूं फिर आपको अगले एपिसोड में। इन्फिनिक्स ऐसा ही काम करते रहो भाई और मैं आप सबको ये कहूंगा, कीप स्माइलिंग गाइस एंड टेक केयर, लव यू एंड कीप सपोर्टिंग। Bye-bye.